यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, यानी एक समान त्वरित गति। एक समान यानी त्वरण कैसा है, एक समान है। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, समरूप, सेम रूप का, एक ही समान, हर जगह बराबर होगा। तो सबसे पहले तो हम जानें कि एक्सेलरेशन है क्या। एक्सेलरेशन यानी इसको हिंदी में क्या कहेंगे, त्वरण। त्वरण रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्टेड टाइम, है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्टेड टाइम, यानी कि एकांक समय में वेग में परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, त्वरण। वेग में परिवर्तन की दर, प्रति इकाई समय में वेग में जो परिवर्तन होता है, वेलोसिटी जो चेंज होती है, जैसे मान ले यहाँ भी था, यहाँ भी वन हुआ, यहाँ भी टू हुआ, यहाँ भी टू भी थ्री हुआ, वेग में जो परिवर्तन होता है इसी के दर को हम क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन। यानी शॉर्ट एंड कट में इसको कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, है ना, इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। यानी हमने क्या लिखा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्टेड टाइम यानी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। यानी कि समय के साथ वेग में परिवर्तन की जो दर होती है क्या कहलाती है, त्वरण कहलाती है। समय के साथ जैसे जैसे समय बढ़ रहा है ना, एकांक, इसको ऐसे भी कहा जाता है कि एकांक समय में या प्रति इकाई समय में वेग में परिवर्तन की जो दर होती है वह क्या कहलाती है, एक्सेलरेशन यानी त्वरण कहलाती है। अब देयर आर टू टाइप ऑफ एक्सेलरेशन, एक यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन, एक नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो पहले डिफिनेशन को आप नोट कर लें तो आगे हम बताते हैं। तो वही वेग में क्या होता है, परिवर्तन होता है, तो उसी परिवर्तन को हम क्या नाम दिए, त्वरण, जिसको किस चीज़ से इंडिकेट किया जाता है, ए से। किस से इंडिकेट किया जाता है, स्मॉल ए से। तो स्मॉल ए बराबर क्या हुआ, इसको क्या लिखेंगे हम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। चेंज इन टाइम इसका मतलब क्या हुआ, वेग में परिवर्तन अब बटे समय में, बटा सीधे समय लिखना दो, वेग में परिवर्तन बटा समय। अब देखो देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन, एक होगा यूनिफॉर्मली, ये दिख रहा है ना, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। एक तो हो गया यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, इसको हम किस क्या कहेंगे, यानी कि वेग में जो परिवर्तन होगा वह हर जगह क्या होगा, समान होगा। चेंज इन वेलोसिटी एट ऑल पॉइंट इज कांस्टेंट, यही ना होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन हम क्या कहते हैं, वेग में परिवर्तन की दर। अगर यहाँ से कोई चीज़ हम चले तो यहाँ पे भी वेलोसिटी अगर 4 किलोमीटर प्रति घंटा था, प्रति आवर था, तो यहाँ भी होगा 4 किलोमीटर, यहाँ भी होगा 4 किलोमीटर, यहाँ भी होगा 4 किलोमीटर। यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी एट ऑल पॉइंट इज कांस्टेंट, कहने का मतलब यही ना हुआ। तो इसको हम कैसे लिखेंगे कि चेंज, ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी इन ईच टाइम, वेग में परिवर्तन हर प्रत्येक समय पर क्या होगा, समान रहेगा।
ठीक है, तब यह वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। और जब वेग में जो परिवर्तन है हर जगह क्या होगा, समान रहेगा। यहाँ से नया गांव गए 30 किलोमीटर के ही स्पीड से चले, नया गांव से दिगवाड़ा गए 30 किलोमीटर के स्पीड से, वेलोसिटी में कोई चेंजिंग नहीं है, तब क्या होगा, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। एक्सेलरेशन तो होगा लेकिन कैसा होगा, यूनिफॉर्मली हर जगह, यानी कि जब मारेंगे एक लपड़ तो इसमें कुछ होगा, वाइब्रेशन होगा, झंझना जाएगा कि नहीं, नहीं कहता है ऐसा मतलब कि दिमाग झंझना गल, तो हर समय बराबर चोट से मरेगा। और ये तो ये हो गया, अब दूसरा क्या होगा, है नन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, इसका मतलब हिंदी क्या होगा जी, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, इसका हिंदी क्या हुआ जानते हो, एक समान त्वरित गति, इसका हिंदी लिख लेना, एक समान त्वरित गति। कौनो ससुरारी में नहीं खा गए लोग, हित नाता के यहाँ कि लजाए के भाई यहाँ, नहीं तो लजाए लजाए तो लजाए के एगो रोटी दी तो ना, हाँ पेट भर गए रह जा बाबू गले कंखाई, तो जब हिंदी छूट गए बात है जरा पूछे के बाद पूछ लेवे ला चाहिए, तब बस सब आराम से है। नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड इसका मतलब क्या, समान त्वरित गति, तो इसमें क्या होगा, चेंज ऑफ वेलोसिटी है ना, नॉट कॉन्स्टेंट है, नॉट क्या, अरे उतना लिखेंगे एक ओ में लिख दिए ना, तो समझ जाओ कि वेलोसिटी इसमें कॉन्स्टेंट, हर समय वेलोसिटी जो है कॉन्स्टेंट नहीं होगा, क्या होगा इसमें कॉन्स्टेंट, इसमें क्या लिखे, वेग में परिवर्तन हर जगह समान होगा, यहाँ हर जगह समान क्या होगा, नहीं होगा। यहाँ तक तो ठीक है, होगा कि नहीं, हर जगह समान नहीं होगा और इसमें समान होगा। यदि वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी हर जगह इक्वल हो, कांस्टेंट हो, कांस्टेंट का मतलब क्या, कोई परिवर्तन नहीं हो, तब वह यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड होगा। अगर हर जगह चेंज होगा तो उसका नाम ही हुआ असमरूप, असमान, एक समान नहीं, तो क्या हो जाएगा, असमरूप होगा। कोई दिक्कत, अब ए मान लो कि इसमें क्या कहा कि वेग में परिवर्तन, वेलोसिटी दो को होगा, एगो इनिशियल है एगो फाइनल, एकदम पोज में बनाए हुए हो, दौड़ना है यहाँ से, तब इनिशियल पोजीशन में हो, फाइनल में दौड़ के जाओगे तो वहाँ पहुँचेगे। तो एक जनरली इनिशियल वेलोसिटी को हम किससे इंडिकेट करते हैं, यू से, आजकल मॉडर्न युग में, और फाइनल को किससे हम इंडिकेट करते हैं, भी से, और टी क्या है, टाइम, ई क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी ना, हैं वेलोसिटी, आई क्या हो गया, फाइनल वेलोसिटी, ये हो, इसको हिंदी क्या कहते हैं, प्रारंभिक वेग, इसको क्या कहते हैं, अंतिम वेग, ठीक है, और ये क्या हो गया, टाइम, टी टाइम यानी समय, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन, ए इज इक्वल टू क्या होगा, मॉडर्न युग में इसको लिख देता है वी नॉट, ठीक है, इनिशियल को वी नॉट भी लिखता है, इसलिए आप घबराएंगे नहीं।
ए इज इक्वल टू क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो वेलोसिटी चेंज कब, घर से निकला था 10 रुपया था, रास्ता में 10 टकिया एगो दोस्त दे दिया, अंतिम पैसा कितना बचा तुम्हारे पास 20 रुपया, और शुरू में कितना था, चेंज कितना हुआ, कैसे अंतिम माइनस शुरू, है ना। है होने साइकिल पर है कि यहाँ है, फाइनल वेलोसिटी और माइनस इनिशियल वेलोसिटी, अबटा चेंज इन टाइम, चेंज इन टाइम ई वी माइनस यू अबटा इनिशियल टाइम, शुरू में टाइम कितना 0, अब फाइनल में कितना टी, तो बच जाएगा कितना टी, तो क्या हम लिखेंगे टी, हो गया। अब देख ए में टी से करेंगे तो क्या होगा, ए टी होगा या नहीं, तो सीधे लिखो नीचे कुछ नहीं है, क्या है 1 होगा या नहीं होगा, तो दे दे वी माइनस यू इज इक्वल टू ए टी लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टी इसमें 1 से किए तो। अब वी बराबर, इसको बराबर के उधर ले जा, बराबर के उधर ले जा, माइनस है तो क्या हो जाएगा, अब प्लस क्या बचा ए टी, ये 9th क्लास में फॉर्मूला मिला था वी बराबर यू प्लस ए टी, तीने को फॉर्मूले मोशन का है, मोशन का केवल 3 ही फॉर्मूला है, वो सिद्ध करके हम बताएंगे। इसको हम क्या कहते हैं, रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम, इसको हम क्या कहेंगे, वेग और समय में संबंध, बिना लगन के, बिना लगने के संबंध हो गया, फिटास एगो तो फॉर्मूला निकल गया। चलिए तो हमारा मुंह मत देखिए, टना टन नोट कीजिए, हैं हम बोलो क्या कुछ कहना है, हैं कौन सी ये ना दूर पागल ही, वो पेन मिस्टेक होता है तो। अब देखो ये फिजिकल मीनिंग ऑफ एक्सेलरेशन, इसका मतलब क्या हुआ, त्वरण का भौतिक अर्थ, भौतिक अर्थ क्या हुआ त्वरण का, फिजिकल मीनिंग मिला जुला के, कि टोटल अमाउंट ऑफ वेलोसिटी चेंज पर यूनिट टाइम, एकांक समय में वेग में कितना परिवर्तन होता है, यही चीज ना बताता है त्वरण। त्वरण क्या बताता है, कि वेग में कितना परिवर्तन हो रहा है, कितना प्रति सेकंड। एक्सेलरेशन क्या बताता है, कि पर यूनिट टाइम एकांक समय में वेग में कितना परिवर्तन हो रहा है। इसमें भी एक पॉजिटिव होता है और एक निगेटिव, तो पॉजिटिव कब होगा निगेटिव कब होगा, इफ फाइनल वेलोसिटी इज ग्रेटर देन इनिशियल वेलोसिटी। अगर इसका हिंदी क्या होगा, यदि अंतिम वेग प्रारंभिक वेग से अधिक हो, है ना, यदि
अंतिम वेग यानी फाइनल वेलोसिटी इज ग्रेटर देन इनिशियल वेलोसिटी, देन वी कॉल इट पॉजिटिव एक्सेलरेशन। आप समझ जाओगे धनात्मक त्वरण है ना, धनात्मक त्वरण होता है या नहीं होता है। दूसरी चीज फर्स्ट एंड सेकंड, दूसरा चीज क्या होगा कि फाइनल वेलोसिटी, अब शॉर्टकट में चल देते हैं, फाइनल वेलोसिटी इज लेस देन, ये दे दिए तो लेस देन हो गया ना, लेस देन क्या होगा इनिशियल वेलोसिटी, तब इस अवस्था में इसको क्या कहते हैं निगेटिव एक्सेलरेशन। आप समझ जाओगे ऐसे ही लिख रही है, समझ जाना इसको हम क्या कहते हैं, और नीचे दिख रहा है ना, इसको कहते हैं डी बोलो सेलरेशन है, डी सेलरेशन हिंदी में इसको कहा जाता है मंदन, कहता है ना कि मंद मंद मुस्कुरा रहा है, माने खुल तो खुल के नहीं आ रहा है, अंदर ही अंदर पुलकित हो रहा है, मंद मंद मुस्कुराना। यहाँ तक तो हो गया। ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन का मतलब क्या हुआ कि ऑब्जेक्ट मूव्स इन स्पीडली, ऑब्जेक्ट जो है स्पीड में चल रहा है, और इसका डिसेलरेशन निगेटिव में क्या होगा ऑब्जेक्ट मूव्स स्लोली यानी मंद मंद हाने ठीक ना, मिटा दें। अब एक चीज़ और देख लीजिए, जब लिख रहा है इसकी यूनिट क्या होगी, यूनिट क्या होगा इसकी, इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, इसका यूनिट क्या होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, किसका एक्सेलरेशन का, ये पहले नाइन्थ क्लास में आपने ये पढ़ा होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऐसे, अब थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़ा है, ये नहीं दिख रहा है क्या मीटर पर सेकंड ऐसे पढ़ा होगा, अब स्टैंडर्ड जैसे जैसे बढ़ा तो मुर्गा कट केस कटवाने लगा, तो लोग नहीं कटवाने लगा, उल्टा होते जा रहा है, तुम सलवार सूट पहन रहा है, ये सब जींस शर्ट पहन रही नहीं पहनता है, कहेगा कि पैठानी सूट बा, सलवार सूट पे नहीं है, कहे कि पैठानी सूट बा, कान छेद होते बड़ा हेयर बैंड लगाते बड़ा क्या दिक्कत, चलो मिटा देना। अरे यार अब देखिए, एक होता है एवरेज है ना, एवरेज एक्सेलरेशन, तो इसको तो बना लीजिएगा रेशियो ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। एक होता है इंस्टेंटेनियस है ना एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या हुआ, तत्क्षणिक त्वरण। इसमें लोचा है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, हमने आपको पढ़ाया था फ्री क्लास में, जो आए होंगे बच्चे 15 दिन का फ्री क्लास था, तो बच्चों को लगा कि कहला जाएंगे फ्री वाला में, वो इंटीग्रेशन हर चीज़ में ज़रूरत होता है, उसको हमने पढ़ाया था, ये 50 ग्राम इधर देखो पीछे मत देखो है ना। इंस्टेंटेनियस का मतलब है हम समझाए थे कि पिक समय, थोड़ा देर के समय के लिए, नहीं सिनेमा देखने गया, सिनेमा देखे हो ना, पिक्चर देखते हो या कोई सीरियल देखते हो, सीरियल में डांस प्रोग्राम देखता है, अपने दोस्तों में बात करते हो, क्या करते हो, क्या डांस कल मत पूछ, लेकिन वो ज़्यादा कमर लचकल होकर जवाब नहीं खे, कहता है कि नहीं ऐसा होता है ना, किस खाना बनाती हो तुम लोग घरों में है ना, कि अरे बेहतरीन खाना बनाया लेकिन रायता का तो जवाब नहीं था, मत पूछो, यानी पिक समय के लिए कुछ क्षण के लिए, जैसे हम लोग पढ़े थे इम्पल्स आवेग ए फोर्स अप्लाइड ऑन बॉडी एट फ्यू टाइम्स, कुछ समय के लिए आया और चला गया, पापा मारे चाटा सरिया के कस के लगा और लौट गया, माने लगते नहीं रह गया, लगा फगुआ के पुआ जी संगाल फुलाया और चल दिया,
ऐसा थोड़े कि चाटा हरदम लगते रह जाता है। तो पिक समय के लिए जो कि इसकी वेलोसिटी चेंज होगी, हर समय चेंज हो रही थी। वह लड़का जो ये को छिल्टू चला रहा था गाड़ी, बहुत बढ़िया गाड़ी चला रहा था, लेकिन वहाँ जो एक्सलेटर लिया, पूछो मत, गढ़े में कूदा दिया। उस समय को, पिक समय को हम क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस चेंज इन वेलोसिटी। हम लिखते हैं डेल्टा भी, चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा भी लिखते हैं, लेकिन इंस्टेंटेनियस के लिखते हैं के लिए लिखते हैं हम डी भी, है ना। डी किसके लिए है, इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस का मतलब समझे ना, पिक समय, थोड़ा देर के लिए, एट ए टाइम, उस समय का जो वेलोसिटी था, जो चेंज हुआ, उसका जवाब नहीं, लाजवाब था नहीं। तो इसी को हम कहते हैं पिक समय का जो वेलोसिटी, जो चेंज होता है, उसको हम क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इसको किससे इंडिकेट किया जाता है, वेलोसिटी क्या होता है, भी अपॉन टाइम, चेंज ऑफ वेलोसिटी, चेंज इन टाइम, यही ना लिखते हैं। लेकिन ये एवरेज के लिए हो जाएगा, यूज के लिए, यहाँ क्या हो जाएगा, dv/dt। ये देखो dv/dt होता है ना, लेकिन v इज इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, है ना। तो इसको हम डिस्प्लेसमेंट को x से कर दिए, तो dx/dt होगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो यहाँ क्या है, देखो डी है, भी के जगह क्या लिख देंगे हम, dx/dt। एगो dt पहले से है कि नहीं है, यहाँ dt लिख दिए, तो ये हो जाएगा d²x/dt²। इतना हो, नहीं नहीं dt² होता है, ये डबल डिफ्रेंशिएशन में ख़त्म हो जाता है, जब 12th में जाओगे तब मिलेगा ये इतना याद रखना।